और स्पीकर जो मिस्टर वालिद साहब जो स्पीकर करते थे, मैं उनका मुखालफत नहीं कर सकता, लेकिन चंद जब जो बोलना चाहता हूँ आपके सामने मेरे वालिद के तालुक से। ये एक बहुत ईमानदार आदमी थे, जब भी जो पेशा अपने अख्तियार करते थे उसमें ईमानदारी से अपना काम करें पूरा, चाहे वो जस्टिस हो चाहे चेयरमैन मिनिस्टर कमीशन हो, हमेशा मुझे यही तालीम दिया करते थे कि बाबा हमेशा अपनी हक पर रहना, अपनी हिम्मत से रहना और कोई ईमानदारी के घटना नहीं कोई नहीं करना। हमारी ऐसी पर्सनैलिटी है जब किसी सामने छुपी नहीं किसी सामने। और आपको भी चाहता हूँ कि मैं आप भी हमेशा अपने लोहा मनवा लेना जिंदगी में, तो किसी सामने छुपना मत। वालिद साहब जो भी थे बहुत ही ग्रेट आदमी थे, उनकी उनके तालुकों के मोहताज नहीं है, आपको सुपुर मॉल में उनसे क्या दिया। मेरे दादा सूबेदार अमीर खान साहब वो भी खुद ग्रेट पर्सनैलिटी थी उनकी, वो हमेशा अपनी ईमानदारी पर काम किया है, ईमानदारी से चले हैं, होते हैं। इंतखाब के एक दिन पहले जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा था तो डॉक्टर्स मुझे बुलाकर बोले थे साहब मैं बाहर आदमी देखा हूँ जो लच्छू साहब को देखा हूँ अपनी ज़िंदगी मौत कश्मकश में जो है बहादुरी का साथ जो तो ज़िंदगी मौत को लड़ रहे हूँ, मैं ऐसा पेशन देखा नहीं। एक शेर भी है ये जो अपनी ज़िंदगी मौत का मुकाबला कर रहा है, मैं समझता हूँ कि ये आप लोगों की ब्लड का मामला है, ये आप लोगों का खून व्यक्ति वो है, ये कहता बहुत ये मजबूत अच्छी है ये और कभी टूटने वाला आदमी नहीं है, कभी किसी समय छुपे नहीं है मेरे वाली कभी। खैर मैं जब पहुंचा डैडी के पास तो मेरे आँख से आंसू निकल रहे, तो मेरे आँख से आंसू पोछते बोले कि बेटे जाना हर एक को है जिंदगी से, कोई रहने वाला नहीं है, आदमी आता है मुसाफिर है, उसको जाना बर्फ है जिंदगी में, कोई रहने वाले पीर पैगम्बर को मौत ही है, हम तो एक गुनहगार आदमी को क्या है पूछते थे। तो मुझे निश्चित किया कि बड़ा हमेशा तुम हिम्मत से काम करना, हिम्मत से रहना, कभी किसी के सामने कुछ अपने बदलना, मेरे पिता के कदम पर चलना तुम, और मैं हमेशा तुम्हारे लिए साथ रहा हूँ, मैं उसमें रहूँ। खैर मैं बोलने से तब कि आगे बोलने के लिए नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे वालिद बुजुर्ग के लिए मकबरे की दुआ करी, अल्लाह आला कमी ने जमीन फिरदौस में जब अता फरमाया, उनके लिए जो भी गलतियाँ हुई किसी शख्स से या किसी से कुछ बोल चुके हैं उन्होंने, तो मैं भी चाहता हूँ कि उनके लिए उनकी माफ़ी की दुआ मांगता हूँ, ताकि आप लोगों को माफ़ कर दीजिए। इससे आगे बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आमिर मोहम्मद खान साहब से गुजारिश करता हूं कि वो मरहूम के लिए दुआए मगफरत फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाईन। ऐ अल्लाह तू हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारे खताओं को दरबदर फरमा, ऐ अल्लाह तू हमें सिरात मुस्तकीम पर गामज़न फरमा, ऐ अल्लाह बैरिस्टर सरदार अली खान साहब मरहूम की मगफरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, ऐ अल्लाह उनको जन्नत उल फिरदौस में आला जगह अता फरमा, ऐ अल्लाह उनके तमाम छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमा, उनकी खबर को कुशादा फरमा, उनकी खबर में नूर पैदा कर, रोशनी पैदा कर। رب اغفر وارحم انت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين